Pirates! बेस्ट रेडिंग यूनिट इस सीजन की ये बन रखी है, जिसके कारण देखना ये है कि आज भी वो रेडिंग प्रोवेस चलेगी। बोल्टन! अरे कसके पकड़, जम के झपा, तोड़ू मोड़ू पुणे के इन शेरों को इस सीजन रोकना नामुमकिन हो गया है। जीत ही सिर्फ इनकी नजरों के सामने है और उस जीत के पहाड़ के चलते इस समय पहले पायदान को जकड़ के रखा है। इतने थोड़ी देर पहले कॉइन टॉस हुआ था, पटना पायरेट्स ने टॉस जीता और पहली रेड पुनेरी पल्टन के पास। असलम इनामदार क्या सोच के आएंगे? मुकाबला शुरू होने को असलम इनामदार पहली ही रेड पर गए हैं और तकरीबन मध्य से वो रेड पर उतरे हैं। जाते ही सात रन है, बढ़िया वन पॉइंट टच पॉइंट हासिल किया डिफेंडर को पुणेरी पल्टन। जाते बराबर वो क्विक तो टच मनीष के ऊपर, बाहर जाना पड़ा मनीष को। अगली रेड सचिन के नाम, क्विक रेड की बात है, शादियों के ऊपर निगाहें रह सकती थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा टैकल मोहित गोयल की तरफ से हुआ। आए टैकल में चेन भी थी और डैश आउट करवाया, बिल्कुल प्लान करके इन पोजीशन से रनिंग करके सिंगल आए थे मोहित, उसके बाद जो डैश किया। अगली रेड पंकज मोहित, अगली रेड के लिए आए जरूर हुए लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया, काफी ज्यादा प्रेशर पे प्रेशर डाला जा रहा है, पटना पर ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए पंकज को मिला। रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, कृष्ण धुल वो चेन लेके खड़े थे, पीछे मनजीत को लेकर के आए हैं रेडिंग में। छह का डिफेंस है शादनु के सामने, मनजीत शंपलिंग करते हुए, गौरव खत्री ने यहां पर काम किया। गेम का पेस जो है वो बहुत ही फास्ट देखने मिल रहा है हमें, हर रेड में एक्शन देखने मिल रहा है और ये गौरव खत्री एडवांस आए थे, बहुत ही जबरदस्त टैकल। गौरव खत्री यहां पर ना होते तो शायद बीच से निकल जाते, बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न किया था उन्होंने। और यहां मोहित गोयत आए हैं, पांच का डिफेंस, और ये देखिए छलांग देखिए मोहित गोयत की, कितनी कंट्रोल्ड छलांग, वहां पर भूल खड़े थे लेके आगे गए, फुटवर्क से बीट किया और ये एस्केप बहुत ही बढ़िया। ये शोर आप जो गूंज देख रहे हैं स्टेडियम की, साफ पता चलता है कि ये मुकाबला छोटा मोटा नहीं, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट ये मुकाबला। एम सुधाकर जो के चेन्नई के हैं, क्या सपोर्ट है उसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, पहली ही रेड में वो शिकार बन गए, चेहरे की मुस्कुराहट, जो चाहते थे बीसी रमेश वही हुआ। संजय दास पुणे की डिफेंस आज प्लान करके आई है, कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हुए दिख रही है हमें। कोई गया रेड पे और एक तरफ रॉ सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी, इजी क्लेम मोहित गोयत का, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट कर रहे थे, बेस्ट डिफेंस है पुनेरी पल्टन और वो आप मैट पे भी देख सकते हैं, स्टैट पे भी देख सकते हैं, लेकिन अब दिक्कतें होनी शुरू हुई। संदीप कुमार सब्स्टिट्यूट होकर के आए थे, मिड लाइन के करीब भी पहुंच गए, गौरव खत्री गए थे बहुत एडवांस और गौरव खत्री यहां उन्हें एंगल तरीके से मिला नहीं, और ये पहली डू और डाई इस मुकाबले की और उस पर आए हैं मोहित गोयल। पॉइंट्स लेने होंगे कितने, अपनी आहुति दे दी मोहित गोयल ने, डिफेंस टूटा पटना की डिफेंस की, यानी कि मगर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं था, बहुत ही बेहतर था वो टैकल। सचिन गए थे पहले इनिशिएट करने डबल थाई होल्ड पे, उसके बाद मनीष और नीरज का सपोर्ट आया सही समय पे, लेकिन एक तरफ डोड़ाई हुई तो हमें अगली डोड़ाई मनजीत इसमें आए हुए, बेस्ट डिफेंस के अगेंस्ट मनजीत, शादलू के लिए थोड़ी बहुत वोकल हो जरूर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा होल्ड, लेकिन यही होल्ड खराब कर गया चीज है, मल्टी पॉइंट रेड मनजीत की, बिल्कुल ये मल्टी रेड पॉइंट, पटना पर बहुत
एडवांस वो डाइव था उनका, पहले सिंगल लेग पे गए उसके बाद शादलू का सपोर्ट। बहुत ही एडवांस टैकल बॉक लाइन के ऊपर, आपने मनजीत को टैकल करने की कोशिश की जिनका लंबा कद है, खमियाजा चुकाया। और ये देखिए पंकज मोहित इस समय छह की डिफेंस में, बोनस नहीं मिलेगा, ब्लॉक कर दिए जाएंगे नीरज ने राइड से 5 पॉइंट्स की ये रेड हो चुकी है। और क्या ये टर्निंग पॉइंट है, राइड से वापसी का डंका बजा दिया था लेकिन फिर पल्टन ने कहा नहीं हम पलटना जानते हैं। देखिए कितना बढ़िया पलटे, फर्स्ट चेन बहुत ही बेहतर था, मनीष गलती कर बैठे, थोड़ा आगे चले गए, उनको लगा ये टैकल कंप्लीट हो गया था। और उसी में पटना पायरेट्स फंस सकती है, जी हाँ फंस गए। और ऐसा फंसे कि पटना पायरेट्स हुई ओवर, जीवन में पॉइंट बनाने का पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है, तो जब भी मौका मिले ले पंगा। सचिन के पास मौका जरूर था लेकिन उन्होंने काफी वक्त बिता दिया। मुझे लगता है एक लीड लेने के बाद रेडर्स ने पूरी तरह बोनस पर निर्भर करना चाहिए और वही सलाह दी थी कोच ने। मनजीत बहुत ही लंबा पैर फेंकते हैं मोहित और उतने ही खूबसूरत इनके रिफ्लेक्सेस हैं। रिफ्लेक्सेस और क्लेम भी कर लिया है, ऐसे अगर गलतियां करते रहे पटना पायरेट्स के डिफेंस तो मुश्किल और बढ़ेगी। बिल्कुल फुटवर्क से बीट करते हैं। सचिन तंवर पिछले मुकाबले में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए और इस बार भी नहीं। अभिनेश नादराजन ने उनका मोमेंटम तोड़ दिया और उसके बाद पूरी डिफेंस का सपोर्ट आ गया। प्रैक्टिस सेशन में भी हमने ये ही सचिन को प्रैक्टिस करते हुए देखा था कि शादलू एंकल उठाएंगे उसके बाद अभिनेश आएंगे। रीड्स 5 की है सचिन ने, 4 की है मनजीत ने और 2 की है सुधाकर ने। इतना एडवांस आप कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। अंकित मौजूद थे, बहुत ज्यादा एडवांस है, बॉक लाइन के भी बाहर थे मोहित। दो टच की हल्की फुल्की कोशिश और वो शादलू के डायरेक्शन में देख भी नहीं रहे हैं इस समय के लिए। हालांकि पॉइंट्स निकालने की कोशिश जाकर पे टाइम हो गया लेकिन शादलू के ही ऊपर हावी हुए रेड से, ये सुधाकर सुपरमैन बनकर पॉइंट ले गया। बिल्कुल डिसाइड कर लिया था शादलू ने कि सुधाकर अगर आगे आएंगे तो वो मैं डबल थायोल पे जाऊंगा और उसी का अनुमान लगा के सुधाकर ने वो एस्केप किया जंप लगा के। आत्मविश्वास से अब लबरेज दिखाई दे रहे हैं पिछली रेट के बाद। यहां 5 का डिफेंस है और सुधाकर को देखिए किस तरह से अंदर जाते हैं। सुधाकर की खासियत ये है, ओहो जब तक हम खासियत का जिक्र कर रहे थे सुधाकर को बाहर कर दिया गया। सुधाकर खुद ही घूम के चकमा देने की कोशिश में बाहर हो गए मैच से। इतना डीप जाएंगे तो डिफेंस के लिए पूरी तरह से मौका बन जाता है, एक एंगल बन जाता है टैकल करने का। जी नहीं पंकज मोहिते डू ऑर डाई पे और दूसरी तरफ भी वो 6 का डिफेंस, डू ऑर डाई है तो पॉइंट तो निकालना जरूरी है हर डायरेक्शन में देखते हुए। तकरीबन 60% कामयाबी और बहुत एडवांस टैकल। लगातार गलतियां कर रही है पटना का डिफेंस और गलतियां कौन कर रहा है, कप्तान साहब ने गलती की। बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है उस 5 पॉइंट रेट के बाद। अच्छी बात ये है पटना पे ज्यादा बड़े पॉइंट्स में नहीं जाते लेकिन 6-7-8 पॉइंट्स उनके हर मैच में आते हैं, एक लौता सुपर 10 उनका है। और ये देख लीजिए पटना पायरेट्स का डू और डाई में इस सीजन का रिकॉर्ड, इस बार कामयाबी नहीं मिलेगी। रेडर आउट 1 पॉइंट पुणे रिपोर्टर। अभिनेश नागराजन ने जबरदस्त डिफेंस किया, घेर लिया यहां पर, बहुत ही एडवांस गए थे ऐसा लग रहा है मनजीत जो है वो निकल जाएंगे पर जो ग्रिप बनाया अभिनेश ने। नीरज की अभी हाल फिलहाल की हुई गलती जिसपे 2 पॉइंट्स मिल गए और 1 ऑल आउट, यही पूरी तरह से फर्क आया है इस मुकाबले में अब तक। ये डू ऑर डाई है और डू ऑर डाई में डैश आउट, रेडर आउट, सुपर टैकल यहां पर हो गया। ये रॉन्ग सुपर टैकल है मगर की जकड़ से बच पाना मुश्किल। तो बहुत डीप चले गए थे असलम, किक करने की कोशिश थी कृष्ण धूल पे पर उसके बाद मोहित ने वो एंगल बनाया सही समय पे, वो डैश लगा के असलम को बाहर किया।
रिवॉर्ड डिस्कशंस इस समय, लेकिन ये जो 10 का डिफरेंस था ये धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है, लेकिन और करीब चाहिए पटना को। आखिरी रेड हाफ टाइम से पहले की, सचिन तंवर शादलू के बिल्कुल सामने हैं, अंदर आए, क्या बढ़िया रनिंग बोनस दिया। अगर कंफर्मेशन आ गई तो शानदार बोनस था आरिशान की, बिल्कुल रनिंग बोनस बखूबी करते हैं सचिन, देखा हमने बहुत बार उन्हें ऐसे बोनस लेते हुए। आज की तीन बड़ी कहानियां, पंकज की 5.8 पटना पर पड़ी भारी, पटना 7 पॉइंट से पीछे, पल्टन ने सचिन और सुधाकर को सिर्फ एक रेट पॉइंट दिया, पुणे का डिफेंस आज एक अलग ही फॉर्म में, 60 टैकल पॉइंट्स, और ये 7 की जो कहानी है ये 7 अंकों के फासले पे आके रुक चुकी है, जहां 22 और 15 का ये फासला है। अगर आप ओवरऑल उनका डिफेंस देखें तो कुछ बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाने वाला नहीं है, सिर्फ 5 टैकल पॉइंट है पायरेट्स के, हालांकि पुणे जो कि बेस्ट डिफेंस माना जाता है उनके भी अब तक 7 पॉइंट्स है, हर मुकाबले में 10 या 10 से ज्यादा डिफेंसिव पॉइंट्स हासिल किए, और ये हाफ टाइम के बाद की शुरुआत। रेड आउट 1 पॉइंट पुणे रिपल्टर, रनिंग बोनस की कोशिश थी सचिन की और उसी एंकल को होल्ड किया अभिलेश नागराजन ने, निकालने पड़ेंगे और कोशिश पॉइंट करेंगे, लेकिन क्या ही प्रदर्शन, एक और बार 1 पॉइंट, इस बार पुनेरी पल्टन के पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा एडवांस आए, अंदर गए नहीं थे मोहित, अगर पायरेट्स एक बार और ऑल आउट हुए तो फिर मुश्किल हो जाएगी उनकी वापसी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए कितनी आसानी के साथ बाहर किया किशन ढुल को, जर्सी नंबर 4 आउट, बहुत ही अच्छा टच है मोहित का, सुधाकर आए रेड पे, बोनस हालांकि दे देंगे इनको, के बाद स्ट्रगल होगा 6-7 के डिफेंस में, पुणे की डिफेंस में पॉइंट स्कोर करना सुधाकर के लिए, बिल्कुल अंदर अगर जाएंगे तो डिफेंस घेर लेगी, डिफेंस पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तब अगली रेड में मारे जाएंगे, ये तय है। अंदर गए, पूरा का पूरा डिफेंस उन पर टूटा और इसके साथ ही ऑल आउट हो गए पटना पायरेट्स, जिंदगी में खुद बनाने का मौका और अपनी शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, ऑल आउट के बाद आप ऑल इन हो सकते हैं, तो ले पंगा, अभी भी वक्त है, अभी भी दस्तूर है, मौका है, और ये देखिए डिफेंस किस तरह से टूटा, एक साथ एक के बाद एक, बिल्कुल। और मुझे लगता है ऋषंक एक बात और, जिस तरह से पुनेरी पल्टन के रेडर्स बिना स्ट्रगल में गए पॉइंट्स ला रहे हैं, लगातार बोनस ले रहे हैं, ये भी परेशानी की वजह। चलिए यहां पर सचिन तंवर कामयाब हुए, कोई बोनस करने की कोशिश थी, फेक बोनस करके अटेम्प्ट किया मोहित को और एस्केप, अच्छा रहा सचिन का। आपने सचिन की बात करी थी कि सचिन को ऑन हिज टोज रहना पड़ेगा, सचिन ऑन हिज टोज ही रहे और पॉइंट उठाना शुरू किया, पंकज मोहित बहरहाल टाई होल्ड में फंसे, डबल एंकल होल्ड हुआ उनके ऊपर और ऐसी ही गलतियां अब पटना पायरेट्स को ऊपर ला सकती है, पुनेरी पल्टन की रेडिंग यहां पे शायद थोड़ी टकमगाएगी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये डबल टाई होल्ड, उसके बाद पूरी टीम का सपोर्ट आया, फासला बढ़ चुका है, 10 पॉइंट का हो चुका है, इस फासले को जल्द से जल्द पाटना होगा। सचिन तंवर 4 का है डिफेंस, अब देखिए डिफेंस किस तरह से दूर धकेलता है रेडर्स को, यहां टाइम ले लिया लेकिन इसके बावजूद डैश आउट कर दिए गए, गौरव खत्री ने काम किया, सब्स्टिट्यूशन बहुत डीप गए थे संकेत को हाथ लगाने का, अब जो ये फासला बना है 30-19 का, ये 11 पॉइंट्स, प्रेशर डाल रहे होंगे पटना पर, बिल्कुल प्रेशर में तो दिखाई दे रही है पटना, पर टाइम बहुत बचा है, कम बैक कर सकती है, डिफेंस को थोड़ा अच्छा खेलना होगा और साथ में रेडर्स को भी, पर ये गलती मंजीत की, बोनस पॉइंट पटना पायरेट्स, अभिनेश नागराजन ने जिस तरह से डैश आउट किया वो काबिले तारीफ, बिल्कुल पूरे शरीर को अड़ा दिया और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि मंजीत वहां से निकल पाते,
Shardlow in sent pursuit. Shardlow as a raider. बहुत कम देखा है, but Shardlow is doing what I rate पे. पहले इन्हें देखा है do what I पे खेलते हुए, लेकिन दिक्कतों के विपरीत point तो निकाल लिया. Super raid की demand कर रहे हैं Shardlow. हालांकि सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली बात थी उनके ऊपर, क्योंकि परस्यूट किया था और उन्हें पता नहीं था कि वो डू ऑर डाई है, फंस गए थे डू ऑर डाई में. बिल्कुल गलती डिफेंस की. अंकित लगा है हाथ को अंकित के, और ये तीन पॉइंट हो सकते हैं संजय दा. बिल्कुल अच्छा क्लेम किया है. सुपर रेड Shardlow ने सुपर रेड लगा दी. व्हाट इज योर चैलेंज? राइडर पहले टेस्ट आउट, राइडर आउट. ओके प्लीज. Shardlow ने एस्केप किया और वो मिड लाइन को क्रॉस किया, और ये तीन पॉइंट तो 100% मिलेंगे. थैंक यू. रिव्यू अनसक्सेसफुल. राइडर सेव, थ्री पॉइंट्स. और Shardlow की हौसला अफजाई देखिए. वैसे वो ईरान के लिए रेडिंग भी करते हैं, उनका शुमार एक बेहतर ऑलराउंडर में भी है, लेकिन प्रो कबड्डी में वो ज्यादा डिफेंस करते दिखाई देते हैं. बिल्कुल शुरुआत भी रेडिंग से करते हैं और काफी अच्छी. बिल्कुल बहुत इजी रहा ये एस्केप. एडवांस एंकल होल्ड पे गए मोहित, ट्विस्ट करके वो एस्केप किया अपना एंकल. एक पॉइंट लेके लौटे Shardlow. सुधाकर आए रेड पे, बोनस हालांकि दे दिया गया उनको, थोड़ा डीप जाके पॉइंट लेने की कोशिश होगी. Shardlow गए दोनों पैरों पर, एक साथ उन्होंने पकड़ बनाई और सुधाकर के मोमेंटम को तोड़ दिया. हालांकि बोनस लेने सुधाकर जीवन में घर बनाने का और अपनी पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है, तो जब भी मौका मिले ले पंगा. बिल्कुल संजय दा, मुझे ऐसे लगता है कि संदीप को पहले लाना चाहिए था. और असलम इनामदार लगातार कोशिश कर रहे हैं रेड में पॉइंट लाने की, और अभी सफर रहे अटेम्प्ट किया मोहित को किक करने की कोशिश थी कृष्ण दुल पे. ऐसे मौके आपको देखने पड़ेंगे, डैश आउट के अंदर आपको मिड लाइन का ध्यान खासा रखना पड़ता है इस बार, लेकिन मुश्किल हो गई. संदीप कुमार अभिनेश नागराजन आज ड्रीम फॉर्म में हैं, ये उनका पांचवा टैकल और पांचवा कामयाब टैकल. आज डिफेंस ने बहुत लीक किया, डिफेंस ने बहुत पॉइंट लीक किए, और मुझे लगता है पंकज मोहिते के वो पांच पॉइंट के रेड के बाद पूरी तरह से डिफेंस जो है वो डिसबैलेंस हो गई, और पंकज मोहिते को उसके बाद रोकना मुश्किल हो गया है पटना पायरेट्स के लिए. अभी ये मल्टी पॉइंट रेड लेके लौटे पंकज. तो चलिए, जिस तरह से बाहर किया अंकित को और उसके बाद डिफेंस सपोर्ट में आया, कई बार आपको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, और वहीं पर ये गलती. सचिन तंवर आए हुए हैं रेड पर, और ये कंप्लीट डिफेंस से देखिए साथ का, कोई भी आगे नहीं आ रहा है, लेकिन Shardlow को बाहर किया सचिन. और Shardlow की जंग में जबरदस्त माहौल, और चेन्नई में कल आखिरी दिन होगा, और यहां असलम इनामदार डिफेंस में गरज रहे हैं. सब कुछ बदल गया है इस टीम के लिए. मोहम्मद रिजा रेडिंग में पॉइंट्स ला रहे हैं, असलम इनामदार डिफेंस में पॉइंट ला रहे हैं. ऑलराउंडर्स की ये टीम है, और आज इस टीम के हर खिलाड़ी के पास और थोड़ा सिचुएशन अलग हो सकता है, क्योंकि एक तरफ पॉइंट निकालना है डू और डाई में, दूसरी तरफ सुपर टैकल सिचुएशन, तो डिफेंस को भी अग्रसर रहना पड़ेगा. पंकज मोहिते का टैकल कर लिया गया, मिड लाइन के बिल्कुल नजदीक पहुंचे थे, लेकिन सचिन का बढ़िया अनुमान. टू पॉइंट, और ये तीसरा रॉफ सुपर टैकल है पायरेट्स के लिए, मगर की जकड़ से निकल पाना मुश्किल. दूसरी बार सचिन ने वो सुपर टैकल अटेम्प्ट किया और सक्सेस करके दिखाया. आगे रनिंग हैंड टच की कोशिश थी पर एस्केप करने पाए. और दूसरी तरफ अर्जुन देशवाल एमवीपी जयपुर पिंक पैंथर्स, पर वापस अगर इस पर आए तो एक आसान
कोशिश लग रही थी लेकिन शादनु नॉर्मली ऐसा करते नहीं है। संदीप को पता था कि शादनु टेम्प्ट होंगे और वही हुआ, बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस गए थे शादनु। संदीप की तारीफ बनती है। बिल्कुल आपके पास वक्त है, मौका भी है, क्योंकि आप अगर अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएंगे, थोड़ा सा एक्सपोजर देंगे नए लड़कों को, तो फिर अगले मैचेस में उन्हें बेहतर करने में मदद मिलेगी। और यहां पांच का डिफेंस और ये ब्लॉक करने की कोशिश, टर्न एंड ट्रेड से कामयाब हुए एक बार फिर। कमाल का प्रदर्शन बार बार पुनेरी पल्टन की तरफ से। और जो ये प्रदर्शन है निशान, उन्हें में अभी तक आज के इस गेम में तो कोई कमी नजर नहीं आई है। बिल्कुल कमी नजर आती नहीं पुणे की टीम में, क्योंकि प्लेयर जिम्मेदारी लेके खेलते हैं और हर सिचुएशन एक गलती हुई उसको भी कवर अप करते हैं, एकजुट होकर खेलते हैं। दूसरा टैकल पॉइंट है असलम इनामदार का। बिल्कुल असलम इनामदार की तारीफ करनी होगी, और अब सिर्फ 40 सेकंड बाकी हैं। पुणे की टीम एक मशीन की तरह खेल रही है, एक ऐसी वेल ऑइल्ड मशीन जिसका हर पुर्जा अपनी जगह पर है और बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ। तीन मैचेस उनके देख लीजिए, पहली जनवरी को टाइटन से, तीन को योद्धा से, और उसके बाद यहां सुपर 10 पंकज मोहिते का पूरा हुआ। पुनेरी पल्टन ने तकरीबन ये छठा मैच जीता है और उनका सिर्फ दूसरा सुपर 10 देखने को मिला है। एक सुपर 10 असलम इनामदार के नाम और दूसरा सुपर 10 पंकज मोहिते के नाम। एक यूनिट, एक टीम क्या होती है, ये अगर आपको देखना है, सीखना है, तो पुनेरी पल्टन को देखिए। शत प्रतिशत अच्छा प्रदर्शन। रेड की आपने बात करी, डिफेंस की मैं कर लेता हूं, क्योंकि डिफेंस इस प्रकार से चल रहा है कमाल का है। खिलवाड़ कर रहे रेडरों के साथ, ना एडवांस वो एंकल होल्ड गौरव खत्री ने इनिशिएट किया था, उसके बाद शादलु आए, वो कॉम्बिनेशन ऐसे सेंटर लाइन के पास वो कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन डिफेंस। What is your challenge? Red round. Red round. Yeah, yeah. Please go back. TV umpire. Poneri Pulton challenge. Red round. बहुत doubtful है दादा, पूरी तरह से वो cross हुआ है या नहीं ये बताना। बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि cross तो हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन land नहीं किया है, हवा में है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। Review unsuccessful. One point, Patna Pirates. Captain, no more. बाहर जाना होगा शादनु को, एक पॉइंट और मिल गया पायरेट्स को। पुनेरी पल्टन 46 का ये जो पहाड़ खड़ा किया, रेडर्स का मिले तारीफ, डिफेंडर्स बेहतरीन, लाजवाब प्रदर्शन। और उमदा ये टीम एक और जीत अपने साथ रख चुकी है, अपनी झोली में डाल चुकी है। पटना को हराकर ये और मजबूत हुई है टीम, और ये मजबूती दिखाता है कि हर एक खिलाड़ी ऑल अराउंड प्रदर्शन कर रहा है।